हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज की वीडियो जो है ये खासकर सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए है, जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे बनाते हैं जो लोग वीडियो, उन लोगों के ही लिए खासकर बस ये वीडियो आज मैंने बनाया है। क्योंकि कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे सब यूट्यूबर्स को देनी है, जिसका मुझे पता चला, मुझे लगा कि सबके साथ शेयर करनी चाहिए। जो कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, आज के बाद हमें वीडियो, हम जितनी भी वीडियो बैंक के ऊपर बनाते हैं, अब जो बैंक हैं उनके मैं नाम बताऊंगा एक एक करके, तो उन बैंकों के ऊपर आपको वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आएगा ही आएगा। अभी मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं और उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई थी बैंक के ऊपर, और उनके लगभग लगभग सब वीडियो पे ही कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब जो बैंक कॉपीराइट क्लेम देने वाले हैं, मैं उनके नाम आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो कि सबसे फर्स्ट में बैंक आता है वो आता है बजाज फर्स्ट बैंक। तो ये बहुत ज़्यादा आपको हब की लगभग लगभग हर वीडियो पे, ये जो भी इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में डिटेल दे रहे हैं वीडियो में, उनकी हर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो इस चीज़ से आप बचें, बहुत ही बच के रहें। और जो दूसरा बैंक अगर मैं आपको बताता हूँ, दूसरा बैंक है RBL बैंक। ये भी बहुत ज़्यादा कॉपीराइट दे रहा है, जितने भी चैनलों पे इसके नाम से जो पड़ी हुई है वीडियो, सब पे कॉपीराइट आ रहा है। ये नहीं कि आप अभी बना रहे हो तो कॉपीराइट आएगा, ऐसा नहीं है। जो वीडियो पहले से भी बना के डाली हुई है उनके ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम दे रहा है। और ये दो बैंक हो गए। जो तीसरा बैंक आता है IDFC फर्स्ट बैंक। ये तीन बैंक ऐसे हैं जो आपको कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं, और इन तीनों बैंक को जल्दी से हर कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं जिसके शहर में ये बैंक हैं वो लोग। लेकिन जो चौथा और आखिरी बैंक है, उस बैंक को इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, इंडिया का छोड़ो नेपाल का भी बच्चा बच्चा जानता है, और उस बैंक का नाम है SBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं, तो आप बच के रहें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आए। और मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर आपके अभी तक कोई आपने ऐसी वीडियो बनाई हुई है जिस पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो आप उसको डिलीट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या आप उसको अनलिस्टेड कर लें, या आप उसको प्राइवेट कर लें। आपको जो भी करना है आप उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉपीराइट क्लेम आने से बचें, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपीराइट क्लेम आएगा, आपके चैनल का नुकसान होगा। तो आई होप मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके चैनल को नुकसान हो कोई। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने सब यूट्यूबर्स हैं आपके जानने वाले सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।